इस्लामाबाद से जहां के सेक्टर H13 से तेल निकलने लगा है। शहरियों ने ड्रम्स में तेल को भरकर बेचना शुरू कर दिया। जिले इंतजामिया ने इत्तला मिलते ही 10 मकामात को सील कर दिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके बारे में तफसीलन जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है साकिब सैयद। साकिब बताइएगा, तेल निकलने लगा इस्लामाबाद से, क्या माजरा है? जी बिल्कुल, इस वक्त पे हम मौजूद हैं H13 में, जहाँ पे मुबीना तौर पे यहाँ पे बोरिंग के बाद कहा जा रहा है कि तेल निकाला जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, दफा 144 पे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लगाया गया है। आपको बता चुना, ये वही इलाका है, ये वही घर है जहाँ पे आपको ये बैक में दिखा सकते हैं हमारा कैमरामैन, सील भी कर दिया गया है। यहाँ से बोरिंग के बाद तेल निकलना शुरू हो गया था, जिसके बाद जो अहले इलाके के लोग थे ड्रम लेके आ गए, तेल को जमा करके आगे बेच रहे थे। जिला इंतजाम में हरकत के बाद आने के बाद इसको सील कर दिया गया है और जो सैंपल है उसको जो है ओगरा के हवाले कर दिया गया है। टेस्ट के बाद पता लगेगा ये तेल किस काबिल होगा। हमारे साथ यहाँ के शहरी मौजूद है, यहाँ के मकामी शहरी मौजूद, उनसे बात करेंगे माजरा क्या है सर तेल निकलने का। माजरा ऐसे है कि बोरिंग की गई है, 400 फुट से ऊपर जो बोरिंग करते हैं उसमें तो कोई खास तेल नहीं होता, वो मिक्स आता है, पानी और तेल दोनों चीजें मिक्स होती हैं। अगर उससे नीचे जाते हैं साफ पानी के लिए तो वहां से तकरीबन कोई 30-40% ऑयल होता है, बाकी कोई पानी होता है, मिक्स आता है। तो ना तो वो इस्तेमाल के लायक है, तो ना हम लोग तेल बेच सकते हैं। तेल बेचते हैं तो वो भी गैर कानूनी है। अगर वो करते, कुछ लोगों ने किया है लेकिन वो पकड़े गए। इसी तरह ये स्टैम्प भी लगी हुई ऊपर, सील कर गए घर को। जी बिल्कुल, जैसे कि ये अहले इलाके के शहरी थे, जैसे कि जिले इंतजामिया ने तो एक्शन ले लिया है, लेकिन यहाँ पे जो शहरी हैं उनको भी काफी मुश्किल है पानी का। तो जो यहाँ के जो रिहायशियों का ये मुतालबा है कि हमें पानी फराहम की जाए। जी।